हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एबी स्टूडियोज़। टेक्निकल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और सेटअप सैमसंग के इस मॉनिटर को। ये है दोस्तों सैमसंग का M5 स्मार्ट मॉनिटर। ये आता है 32 इंच में। इसके छोटा वेरिएंट भी आपको मिल जाता है जो कि 24 या 27 इंच का मिलता है। और ये है दोस्तों सैमसंग का M5 स्मार्ट मॉनिटर, फुल HD क्वालिटी के साथ आता है। इसमें एक M7 मॉडल भी आता है जिसमें आपको 4K क्वालिटी भी देखने को मिलता है। बट हमने लिया है दोस्तों सैमसंग का M5 स्मार्ट मॉनिटर फुल HD के साथ। और ये है दोस्तों 32 इंच का बड़े साइज़ का मॉनिटर। इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे इसके अनबॉक्सिंग, इसका सेटअप, इसको प्रैक्टिकल यूज़ करके भी देखेंगे क्या वो कौन कौन से वो फीचर्स हैं जो इस मॉनिटर को बनाते हैं स्मार्ट। उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अंत तक देख लीजिए और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं इसके अनबॉक्सिंग, उसके बाद इसके से उसको सेटअप करके भी दिखाएंगे और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में अनबॉक्सिंग करते करते बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अनबॉक्सिंग प्रोसेस। तो दोस्तों पेश है आपके सामने सैमसंग M5 32 इंच फुल HD मॉनिटर। फटाफट इसके सील को मैं ब्रेक कर देता हूँ। ये एकदम सील पैक्ड मॉनिटर है। वैसे खरीदते टाइम मैं इसको ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ, बट अभी फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपके सामने दोबारा से इसे अनरैप कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देखेंगे 32 इंच M5 कम्स योर पेपर प्रोडक्ट चाइना मटेरियल, कुछ कुछ एक QR कोड दिया हुआ है और कुछ इस तरह का बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों इसका बॉक्स, इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन। और जैसा कि आप देख रहे हैं दो बैटरी आपको मिलेगा जो आई गेस रिमोट में लगने वाला है। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, इसके साथ एक रिमोट भी आता है। अब क्योंकि ये स्मार्ट मॉनिटर है तो काफ़ी सारे फीचर्स इसमें होने वाले हैं। वन बाय वन हर एक फ़ीचर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे है दोस्तों आपके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन इससे रिलेटेड, और बाकी प्रोडक्ट्स को भी निकाल के आपको दिखाते हैं। अच्छी बात है यहाँ पे आपको दो सेल फोन की बैटरी भी देखने को मिलेगा। ओके, डबल पैकिंग में आता है। एक पैकिंग तो हमने फाड़ दिया है, दूसरा पैकिंग भी फाड़ना ज़रूरी है। तो अब दूसरा पैकिंग भी आ गया है दोस्तों। साथ में आपको मिल जाता है एक रिमोट और एक छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा और कूल सा दिखने वाला ये रिमोट आपको मिल जाएगा सैमसंग का। इसके साथ दोस्तों आपको मिल जाएगा एक पावर केबल। आप अगर देख पा रहे होंगे ये पावर केबल आपको मिलेगा जो कि 3-pin पावर केबल है। सैमसंग का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल पावर केबल लग रहा है मुझे। इसके साथ ही दोस्तों आपको मिल जाता है एक HDMI केबल। आई गेस ये HDMI to HDMI ही है। ओके, यस, ये है दोस्तों प्रीमियम हाई स्पीड HDMI केबल। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे डिसेंट साइज़ का है ये भी। तो ये तो हो गया दोस्तों एसेसरीज़ की बात। इसके बाद बाकी चीज़ों को भी बाहर निकालते हैं वन बाय वन। इसके अलावा यहाँ पे है दोस्तों एक स्टैंड जो कि अगर आप फोकस हो रहा होगा आई गेस तो आप डेफिनेटली देख पाएंगे। मैं फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ओके, तो ये है दोस्तों हमारा स्टैंड और यहाँ पे एक ये रबर भी दिया हुआ है जिससे कि आप केबल मैनेजमेंट वगैरह कर पाएंगे। इसको यहाँ से इस तरह से माउंट कर सकते हैं। इसको जब माउंट करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। तो ये है स्टैंड, ये गैस प्लास्टिक का बना हुआ है लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैवी फील हो रहा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी लग रहा है ये। इसको भी रखते हैं साइड में। इसके अलावा यहाँ पर है इसका बेस प्लेट जिसके ऊपर हमारा स्टैंड फिक्स होने वाला है और इसी के ऊपर हमारा जो मॉनिटर है वो बैठने वाला है। इसको भी रख देते हैं साइड में। ओके, तो अब फाइनली ये रहा हमारा मॉनिटर। फिलहाल मैं इसको निकाल देता हूँ। ओह माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा हैवी है ये। अब अगर इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा मॉनिटर।
तो इसी पोजीशन में कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको चार स्क्रूज का ऑप्शन मिलता है जिससे कि आप इसे वॉल माउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ लगता है पावर सप्लाई, यहाँ पे है दोस्तों दो HDMI का पोर्ट, यहाँ पे आप मेंशन भी देख सकते हैं HDMI 1, HDMI 2, दो USB के पोर्ट है, USB 3.0 है या फिर पुराना वर्जन है वो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, मैं श्योर नहीं हूँ। आगे देखते हैं, जैसे जैसे जानकारी मिलेगी वो बता दूँगा। ये आईगेस यहाँ पे स्पीकर होना चाहिए, दो USB के पोर्ट्स हैं, दो HDMI के पोर्ट्स हैं और एक पावर प्लग का केबल है। इसके अलावा और भी कोई भी पोर्ट्स रियर साइड में नहीं है दोस्तों। मॉनिटर को निकालते हैं बॉक्स से बाहर और इसको करते हैं सेटअप, उसके बाद आगे बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको दो स्क्रू मिल जाता है साथ में जो कि यहाँ पे माउंट होने वाला है, और इसको मैं फटाफट यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। तो हमने इसको निकाल दिया है बाहर और ये रहा हमारा बेस प्लेट। सिंपली आपको यहाँ से डाल देना है। ओके, आई गेस मुझे थोड़ा पीछे करना पड़ेगा जी। हाँ, कुछ इस तरह से ये माउंट हो जाता है यहाँ पे। सो दोस्तों, अब अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दो स्क्रू डालने का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली यहाँ पे आप स्क्रू डाल दीजिए और किसी भी स्क्रू ड्राइवर से इसको जेंटली टाइट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा सेटअप हो चुका है पूरी तरीके से रेडी। अब बस इसको पावर अप करना है, उसके बाद इसके स्मार्ट फीचर्स को मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा 1 by 1। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो थोड़ा और देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि M5 मॉनिटर किस तरीके से वर्क करता है और क्या क्या स्मार्ट फीचर्स ये आपको ऑफर करने वाला है। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये है दोस्तों सैमसंग का M5 स्मार्ट मॉनिटर। अब इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, किस तरीके से इस मॉनिटर को स्मार्ट मॉनिटर कहा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। 1 by 1 हर एक फीचर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं जितना मेरे नॉलेज में है। सबसे पहला फीचर जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगता है इसका, वो है इसमें आप वायरलेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं। वायरलेस कनेक्टिविटी से आप स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं, वायरलेस ब्लूटूथ और कीबोर्ड को भी अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले स्क्रीन शेयरिंग की बात करते हैं, तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मैंने दो मॉनिटर आपके सामने रखा है। जो राइट साइड में जो मॉनिटर है वो है दोस्तों AOC का मॉनिटर, इसे मैंने कनेक्ट किया हुआ है HDMI के थ्रू और इसमें मेरा मैक स्टूडियो फिलहाल कनेक्टेड है। अब यहाँ से अगर मैं मैक की सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पर मैं स्क्रीन मिररिंग में चले जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे सैमसंग M5 का ऑप्शन आ चुका है। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तब देखिए वायरलेसली कनेक्ट हो चुका है हमारा मॉनिटर। अब दोनों स्क्रीन पे सेम चीज़ें आपको डिस्प्ले हो रही है, तो ये कमाल का फीचर है दोस्तों। ये ना सिर्फ मैक बल्कि आप विंडोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं इस फीचर को। कोई भी विंडोज़ का कंप्यूटर जो विंडोज़ 10 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है और अगर उस कंप्यूटर में स्क्रीन शेयरिंग का फीचर अवेलेबल है तो इस फीचर को आप विंडोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। और ना सिर्फ कंप्यूटर बल्कि आप अपने iOS डिवाइस यानी कि iPhone और किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को जो कि स्क्रीन शेयरिंग का फीचर सपोर्ट करता है, आप अपने फ़ोन को भी वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिस्प्ले के साथ। तो ये तो हो गया दोस्तों एक फीचर। अब बात करते हैं दूसरे फीचर के साथ। जब मान के चलिए आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं बट आप अपना वर्क फो या फिर आप अपना काम करते करते बोर हो चुके हैं, तो अब आप चाहेंगे कि मैं थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करूं। इंटरटेनमेंट के लिए भी इसमें काफ़ी सारे इनबिल्ट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं इसका रिमोट यूज़ करूं, होम बटन मैं प्रेस करता हूं, आप नीचे की तरफ देखेंगे आपको यहां पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि सैमसंग TV, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, Z5, एप्पल TV को भी ये सपोर्ट करता है। साथ ही आप यूट्यूब स्ट्रीम कर सकते हैं और आप इंटरनेट भी ब्राउज़ कर सकते हैं। इंटरनेट ब्राउजिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इंटरनेट फिलहाल लोड हो रहा है। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ से आप कुछ इस तरीके से अपना गूगल मतलब कि इंटरनेट को भी स्ट्रीम कर सकते हैं और कोई भी वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं वापस से होम की तरफ, और जैसा कि मैंने आपको पहले दिखा दिया, सैमसंग TV, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, Z5, एप्पल TV, यूट्यूब, इंटरनेट वगैरह भी आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। अगर
कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों, दो HDMI कनेक्शन आपको मिलता है, दो USB का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ से जाकर सोर्स में आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल HDMI कनेक्टेड नहीं है, इसलिए HDMI का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे ही आप HDMI कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे HDMI का भी ऑप्शन आ जाता है। तो इसके अलावा दोस्तों, इस मॉनिटर में आपको इनबिल्ट स्पीकर भी मिलता है, जो कि आई गेस 5 वाट का स्पीकर है। तो ये सुनते हैं स्पीकर की क्वालिटी। मैं एक NCS का सॉन्ग प्ले करूँगा, और फिलहाल मैं खड़ा हूँ मेरे मॉनिटर से लगभग 5 फीट के डिस्टेंस पे, तो आप ऑडियो क्वालिटी सुन पाएंगे किस तरीके का ऑडियो क्वालिटी आपको मिलता है। यहाँ पे YouTube हमने खोल दिया है, और यहाँ से हम एक NCS का म्यूजिक प्ले करेंगे, तब आप सुन सकते हैं दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी। NCS का म्यूजिक यहाँ पे प्ले हो रहा है। वॉल्यूम को मैं थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। तो ये दोस्तों आपने सुना सैमसंग M5 स्मार्ट मॉनिटर का ऑडियो क्वालिटी। अब क्योंकि ये इसमें छोटा सा स्पीकर लगा हुआ है, जो कि बेसिक यूज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा बेस या फिर बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल मॉनिटर के हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगर आप घर में यूज़ करेंगे तो डिसेंट साउंड क्वालिटी आती है। आप इसको इन्जॉय डेफिनेटली करने वाले हैं। इसको कर देते हैं यहाँ से एग्जिट। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे एप्लीकेशंस का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे कि YouTube ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, Hotstar आप देख सकते हैं, Netflix इंस्टॉल्ड है, Prime Video, Z5 इंस्टॉल्ड है, Sony Live, ये सारे आप जो इंस्टॉल नहीं दिखा रहा है उसको आप इंस्टॉल चाहें तो कर सकते हैं। इंटरनेट भी इंस्टॉल्ड है, Voot, Apple TV, Gallery, Sun Next, Spotify, YouTube Kids, आज तक काफ़ी सारे एप्लीकेशंस का ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे कि आप इंस्टॉल करके यूज़ कर पाएंगे। और इसके साथ ही जब भी आप चाहेंगे कि आप अपना कंप्यूटर यूज़ करेंगे, सिंपली आप होम में जाएंगे, कनेक्टिविटी में चलते हैं, PC to Screen करते हैं, और फिलहाल क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो गया है तो फिर से मैं देखिए अपना मॉनिटर कनेक्ट कर देता हूँ। मेरे मैक स्टूडियो में जो कनेक्शन है, सेम कनेक्शन वायरलेस के थ्रू मैं दोबारा से करता हूँ इसमें। आप देखिए विद अ क्लिक ऑफ सिंगल बटन इंस्टेंटली ये कनेक्ट हो जाता है। बट जब भी आप वायरलेसली कनेक्ट करते हैं अपने मॉनिटर को अपने लैपटॉप के साथ या फिर अपने कंप्यूटर के साथ, तो ऑपरेशन में जो है थोड़ा सा लैग आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जितना इजी और जितना इफिशियंट वर्क फ्लो आपको HDMI केबल्स के थ्रू मिलता है, वो वर्क फ्लो आपको वाईफाई कनेक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। तो एक छोटा सा डिमेरिट है दोस्तों। इसके अलावा आप गूगल असिस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप बटन को प्रेस करके रखते हैं। एलेक्सा आप यूज़ कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ऑब्वियसली अमेजोन की ID रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पे। कुछ सेटिंग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप पिक्चर कंट्रोल है, पिक्चर में स्टैंडर्ड और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होने चाहिए, स्टैंडर्ड, न्यूट्रल, डायनेमिक, मूवी, और ये सारे पिक्चर मोड्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आई केयर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, एडेप्टिव पिक्चर और आई सेवर मोड वगैरह कुछ है। एक्सपर्ट सेटिंग्स भी है, जैसे कि आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, शार्पनेस, कलर, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिससे कि आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। साउंड सेटिंग्स में आपको साउंड आउटपुट मॉनिटर का स्पीकर चाहिए, या फिर आप ब्लूटूथ स्पीकर अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इसे बंद करते हैं। साउंड मोड आप चूज़ कर सकते हैं, आपको स्टैंडर्ड चाहिए, एडेप्टिव चाहिए, या फिर
एम्पलीफाई चाहिए, एक्सपर्ट सेटिंग्स में भी आप बैलेंस, इक्वलाइजर, डिजिटल आउटपुट वगैरह काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिसको आप चूज़ कर सकते हैं। गेम भी आप इसमें खेल सकते हैं, हो सकता है क्योंकि अभी ये ऑप्शन आगे ऐसा अवेलेबल नहीं है, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। इसके बाद चलते हैं जनरल सेटिंग्स में, यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, एक्सेसिबिलिटी, पिक्चर ऑफ वगैरह का, वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन है, नेटवर्क, ब्रॉडकास्टिंग, सिस्टम मैनेजर, स्मार्ट फीचर्स। ओके, इसके अलावा सपोर्ट में देखते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कोई अवेलेबल है क्या, ऑटो अपडेट, अपडेट नाउ करके देखते हैं। ओके, फिलहाल कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल नहीं है। रिमोट मैनेजमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन, बस इतना ही था दोस्तों। तो आप समझ गए दोस्तों, ये है एक स्मार्ट मॉनिटर जिसमें कि आप ब्लूटूथ कीबोर्ड, ब्लूटूथ माउस, इनफैक्ट आप वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस माउस भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। फिलहाल ये सैमसंग टीवी चल रहा है, इसे अगर मैं बंद करके यूट्यूब प्ले कर दूँ, और भी फ्री मूवीज़ के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप इसमें मूवीज़ देख सकते हैं। डिस्प्ले की क्वालिटी दोस्तों डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बोल सकते हैं, बट फुल HD 1080p का डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है। और 32 इंच और जिस प्राइस पॉइंट पे दोस्तों ये अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये काफ़ी बेटर ऑप्शन है हम सब के लिए। अगर आप एक अच्छा और एक बेहतरीन मॉनिटर देख रहे हैं अपने लिए, और इसी में एक और मॉडल आता है दोस्तों 27 इंच का, और एक मॉडल आता है M7 जो कि आई गेस 32 इंच या फिर 43 इंच वगैरह में अवेलेबल हो जाता है। M7 मॉडल में दोस्तों आपको मिल जाता है 4K डिस्प्ले। तो बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, आई होप आपको ये स्मार्ट मॉनिटर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, Amazon पे अवेलेबल है, Flipkart का मैं श्योर नहीं हूँ, बट आप अपने लोकल रिटेलर से भी पता कर लीजिए कि वहाँ पे कितने में मिलता है। मैंने इसे परचेस किया है लगभग 22,000 रुपये में अपने लोकल रिटेलर से, क्योंकि मुझे एक मॉनिटर की ज़रूरत थी और मैं इतना ज़्यादा वेट नहीं करना चाहता था। तो इस वीडियो में था दोस्तों इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।